नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में छोटी क्लास के बच्चे यानी क्लास फोर्थ के, क्लास फिफ्थ के, क्लास सिक्स्थ में अगर आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे मैं वन बाय वन सारा जो प्रोसेस है आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का वो मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कब निकलता है, लास्ट डेट क्या है और दोस्तों एग्जाम कब होगा, रजिस्ट्रेशन फीस कैसे है, आपको एडमिशन कैसे करवाना है। तो दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो फॉर्म है वो निकल चुका है। 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो यहाँ पे क्लास फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और इलेवेंथ क्लास में आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो एग्जाम है वो फरवरी में कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप लोग तैयारी करवा सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए। तो दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में फोर्थ क्लास से लेकर के इलेवेंथ क्लास तक एडमिशन लिया जाता है, जिसमें बॉयज गर्ल्स दोनों को एडमिशन मिलता है। और ये एक बोर्डिंग स्कूल है और इंडिया के टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल में आता है। मैं आपको बता दूं, एकेडमिक्स वाइज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है ये स्कूल। इसके अलावा ये जो स्कूल है, द स्कूल इज रन प्राइमरली फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग आर्मी पर्सन एज सब्सिडाइज एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली ये जो स्कूल चलाया जाता है वो आर्मी वालों के बच्चों के लिए चलाया जाता है बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे, ताकि उनको किसी भी तरह की एजुकेशन की दिक्कत ना आए। तो इसमें आर्मी और सिविलियन दोनों के ही बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, एडमिशन में लिया जाता है। और इसके अलावा इसमें जो सीट्स हैं वो काफी, जो सीट्स हैं जो वॉर विडोज हैं यानी जिनके फादर जो है वो शहीद हो गए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को काफी मात्रा में सीट्स प्रोवाइड की जाती है, उनको हेल्प की जाती है। इसके अलावा आर्मी के अलावा जितने भी अदर बच्चे हैं उनको एज ए सिविलियन कैटेगरी में काउंट किया जाता है, यानी डिफेंस यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के अलावा जितनी भी कैटेगरीज आती हैं, डिफेंस की जो कैटेगरीज आती हैं उसके अलावा सभी कैटेगरीज को सिविलियन काउंट किया जाता है। और अगर आपको फिफ्थ क्लास में एडमिशन लेना है तो आपके बच्चे की एज 9 साल की होनी चाहिए। अगर आपको सिक्स्थ क्लास में एडमिशन लेना है तो बच्चे की एज 10 साल होनी चाहिए। अगर आपको सेवेंथ क्लास में एडमिशन लेना है तो बच्चे की एज 11 साल होनी चाहिए। अगर आपको एट्थ क्लास में एडमिशन लेना है तो बच्चे की एज 12 साल होनी चाहिए। और अगर आपको नाइन्थ क्लास में एडमिशन लेना है तो बच्चे की एज 13 साल होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके अलावा जो है आपको एडमिशन करवाने के लिए पहले बच्चे को टेस्ट दिलवाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट से बच्चे का जो एज है पहले उसको चेक किया जाएगा कि क्या बच्चा आपका एलिजिबल है या नहीं है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसे बच्चों को एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो फिफ्थ से लेकर के नाइन्थ क्लास के लिए 31 दिसंबर है और इलेवेंथ क्लास के बच्चों के लिए, जो बच्चे इलेवेंथ क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 10 मार्च है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। तो अगर आप लोग डीडी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाना चाहते हैं तो ₹550 का जो डीडी है वो बनेगा प्रिंसिपल एपीएस दक्षाई, पेबल एट पीएनबी दक्षाई। तो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आपको बनवाना है प्रिंसिपल एपीएस दक्षाई, पेबल एट पीएनबी दक्षाई। तो ये आपको बनवाना है, तभी आपका जो डीडी है वो ₹550 का जो डीडी है वो आप लोग आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के नाम से बनवा सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली बाय हैंड लेना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, आप ₹500 में आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में जा करके अपने बच्चे का फॉर्म वहां से ले करके भर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है नो कैश विल एक्सेप्टेड, यानी किसी भी तरह का कैश नहीं लिया जाएगा। आपको जो है ₹550 वहां पे आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में, वहां पे पीएनबी बैंक है, वहां पे जाकर के आपको अपने बच्चे का जो भी अकाउंट में डलवाना है तो वहां पे आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। इसके बाद ये तो होगी प्रोस्पेक्टस की बात। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पेरेंट्स को कई बार नहीं पता चलता है, जितने भी डिफेंस के लोग हैं,
अगर वो एडमिशन करवाते हैं, प्रोस्पेक्टस लेते हैं, तो करीब करीब 2,000 रुपए डिफेंस पर्सन से रजिस्ट्रेशन फीस अलग से ली जाएगी, 500 रुपए प्रोस्पेक्टस के अलावा, और सिविलियन से करीब करीब 4,000 रुपए अलग से लिया जाएगा। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझनी है कि जो लोग फॉर्म भरवाना चाहते हैं, 500 रुपए तो बाय हैंड जाकर के वो ले सकते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर ये पॉइंट बताया कि बाय हैंड आप लोग 500 रुपए का प्रोस्पेक्टस ले सकते हैं, और डीडी के थ्रू आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू 550 रुपए का प्रोस्पेक्टस आपके घर पे आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा एग्जाम देने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है, जो जितने भी डिफेंस पर्सन है, आर्मी पर्सन है, उनको देना पड़ेगा 2,000 रुपए, और सिविलियंस को करीब करीब 4,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो पॉइंट्स हैं बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप मेल भी कर सकते हैं, APSDakshai86@gmail.com। काफी पुराना है, 1986 में स्टेब्लिश ये स्कूल है, बहुत ही पुराना गवर्नमेंट का स्कूल है, आर्मी द्वारा चलाया जाता है ये, डिफेंस के द्वारा। तो आगे देखते हैं, इसमें कांटेक्ट नंबर भी दिए गए हैं, 0179226174, 0179226651। तो ये दोनों हेल्पलाइन नंबर आपके लिए, डायरेक्टली आप कॉल कीजिए और इन नंबर्स पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना चाहते हैं, 7419992928 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल बहुत अच्छा है, अगर आपकी पॉकेट अच्छी है, अगर आपको फाइनेंशियली किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि स्कूल बहुत ही जबरदस्त है। स्कूल में आपको हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ये एनसीसी की ट्रेनिंग और हर तरह की फैसिलिटीज आपको दी जाएगी। इसके अलावा जो बड़े बच्चे यानी 10th 11th 12th के बच्चे, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार किया जाता है, और सीबीएसई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल पे बच्चों को तैयार किया जाता है। तो दोस्तों एकेडमिक्स वाइज काफी स्ट्रॉन्ग है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और इस टाइम हमारे यहाँ पे अगर आप लोग आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। क्रैश कोर्स की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे ले सकते हैं, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आपको आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की जो बुक्स हैं, इसके अलावा क्रैश कोर्स, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी जानकारी आपको क्रैश वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेरी हर वीडियो के नीचे मैंने लिंक लगाए हुए, ताकि पेरेंट्स को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि हम लोग मिल करके एक दूसरे की हेल्प कर सके, ज्यादा से ज्यादा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिले, लोगों में जागरूकता है। 100 नंबर का पेपर होता है, 80 to 85 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।